प्रीति, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा चांस है, मतलब इस तरह से आगे बढ़ने का। एक कुकिंग होता है, हम घर तक ही मतलब हो जाता है कि कुकिंग एक घर पर ही कर लिया और हो गया कि लेडीज़ का काम है, घर पे कर लिया। एज अ इसको कंपटीशन के रूप में करना कि किस तरह से एक ब्लाइंड, और ये और भी बड़ी बात है कि ब्लाइंड कम्युनिटी के इसको मतलब और भी आगे बढ़ाया है कि ब्लाइंड भी बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। मैं टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में, मैं इसके लिए मतलब बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ मुझे करना ही है कुकिंग। तो मेरा ये नहीं था, पहले से शौक बहुत था मुझे, पर टाइम भी कम ही मिल पाता था स्टडी की वजह से। बट मुझे ये था, बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। प्रीति, आपने क्या बनाया? सही, पोहा है और ग्रीन चटनी है। ग्रीन चटनी? हाँ जी सर। एक ग्रीन चटनी आपने अपने आप बनाई है? जी सर, अपने आप बनाई है। ये मेरा फेवरेट है, तो ये मैंने काफ़ी बनाया। तो फिर बहुत अच्छा बना होगा। तो हाँ सर, अच्छा बना, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। आप कहाँ से आई थी? आप? सर मैं दिल्ली से हूँ सर, मतलब दिल्ली में रहते हैं हम लोग। वैसे राजस्थान से हम लोग, तो ये राजस्थान में बनता है सर स्पेशली। ग्रीन चटनी है जिसमें दही डला हुआ है। चटनी आपने खुद बनाई है? हाँ जी सर, चटनी खुद बनाई है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, वैसे धनिया और सारे मसाले तेल ही डालते हैं बस। पोहा विद ग्रीन चटनी है सर। पीनट्स आपने डाले हैं इसमें? पीनट्स यस सर। और अनार के दाने भी डाले हैं? हाँ जी सर। बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सीजनिंग थोड़ा चेक कर लीजिए, आप जब खाएंगे ना तो आपको फील होगा कि नमक बहुत कम है। या आप पर्पसली ऐसे किए हैं या किया है सर? इसमें एक्चुअली नमक थोड़ा सा कम ही रखते हैं, जितने मसालों का टेस्ट मतलब ज़्यादा आप हाँ हाई ऑन द मसाला एंड लेस ऑन द एक्चुअल टेस्ट। वेरी नाइस, थैंक यू प्रीति।